नागिन में फाइनली हो रही है शिवांगी और रॉकी की शादी। जी हाँ, सीरियल नागिन में जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि रॉकी और शिवांगी की शादी हो रही है। वह शिवान्या ने यामिनी से फोन पे बात करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था, तो उसे नहीं है पता कि रॉकी की बड़ी माँ यामिनी है। लेकिन यामिनी को पता चल गया है कि शिवांगी शिवान्या की ही बेटी है और इसीलिए उसने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। वो हर हाल में नागवनी पाना चाहती है और इसीलिए शीशा महेश्वरी के साथ मिलकर वो रच रही है चाल शिवान्या और शिवांगी को खत्म करने की। शादी के मंडप में भी शिवान्या उन तीनों को पहचान न ले, इसलिए वो तीनों आई हैं घूंघट में। और फाइनली शिवान्या अपनी बेटी शिवांगी को दुल्हन के जोड़े में लेकर पहुंचती है मंडप में। वहाँ काफी जोर से गाना बज रहा होता है कि अचानक से वो गाना बंद हो जाता है और सपेरे के बीन की आवाज शुरू हो जाती है। ये सुनकर शिवांगी होने लगती है धीरे धीरे मदहोश। अब शिवान्या को तो ये पता ही है कि शिवांगी भी एक नागिन है और शिवांगी को मदहोश होता देखकर वो बात को संभाल लेती है। वो अचानक से बोलती है कि वो लोग एक रस्म करनी भूल गए हैं और इसलिए वो शिवांगी को वापस अंदर लेकर जाती है। अब क्या होगा आगे, क्या होगी यामिनी की अगली चाल और क्या शिवान्या को पता चल जाएगा यामिनी का असली राज, ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।